अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एक कंटेनर है, एक कंटेनर में लिक्विड है, लिक्विड की जो हाइट है वो बेस से एच है, और मैं ये पूछूं कि फ्लोर के ऊपर प्रेशर कितना है, आप आंसर क्या देंगे? एच रो जी। ठीक हो गया। अच्छा, मैं क्वेश्चन चेंज करता हूँ। क्वेश्चन है, बताओ इस पॉइंट पर लिक्विड का प्रेशर कितना है? मैंने ये नहीं बताया एटमोस्फेरिक प्रेशर, पानी का प्रेशर कितना है? जीरो, क्योंकि लिक्विड के बिल्कुल टॉप का पॉइंट है। और थोड़ा सा नीचे आओगे तो एच रो जी बढ़ जाएगा, और नीचे आओगे एच रो जी बढ़ जाएगा, और नीचे आओगे एच रो जी बढ़ेगा, सबसे नीचे आओगे प्रेशर सबसे ज़्यादा है। तो यानी कि यहाँ 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 आते आते प्रेशर हर पॉइंट पर अपनी वैल्यू को क्या कर रहा है? इंक्रीज। आपको निकालना है इस दीवार पे एवरेज प्रेशर कितना है। अब एवरेज प्रेशर क्या होता है? कायदे से तो आप ये बोलोगे टोटल ऑल दी वैल्यूज ऑफ प्रेशर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉइंट्स। अच्छा, ये बताओ नंबर ऑफ पॉइंट कैसे निकलेंगे इसमें? इनफाइनाइट पॉइंट है, निकल ही नहीं सकते। तो क्या करें एवरेज प्रेशर के लिए? किसके किसको किसको एरिया से डिवाइड करूं? वैल्यू बोलो। प्रेशर तो निकालना है, फोर्स को। टोटल जो फोर्स लगेगी यहां पे डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, आंसर टोटल फोर्स बाय टोटल एरिया इज एवरेज प्रेशर। तो हम क्या निकालेंगे? टोटल फोर्स। टोटल फोर्स की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो एक काम करते हैं, कंटेनर का साइड देखते हैं कुछ ऐसे। ये कंटेनर है, कंटेनर को जरा साइड से देखें। यहाँ से आपने एक छोटा सा एरिया ले लिया, इसका डायग्राम को थोड़ा बड़ा करके बनाया तो ऐसा दिख रहा है, काफ़ी बड़ा करके। या मान लो आप रेक्टेंगुलर जो है, एक रेक्टेंगुलर वेसल ले लो, जो भी थोड़ा कि सिलेंड्रिकल लेना है, रेक्टेंगुलर ले लिया जिसका साइड का व्यू ऐसा है, और लिक्विड की हाइट टोटल कितनी है उस रेक्टेंगुलर वेसल में? एच, एच हाइट है। और आपने क्या किया, एक्स डिस्टेंस पे एक स्ट्रिप ले ली, छोटा सा एरिया ले लिया। छोटा एरिया कितना लिया, ये डिस्टेंस कितना लिया? डीएक्स। एक्स डिस्टेंस पे डीएक्स लिया, और ये विड्थ क्या ली? डब्ल्यू। इस स्ट्रिप का स्मॉल एरिया क्या होगा? डब्ल्यू इंटू डीएक्स। और यहां पर प्रेशर क्या होगा? एक्स रो जी। यहां पे सिर्फ इस पोर्शन का प्रेशर क्या? एक्स रो जी। तो फोर्स क्या होगी इस स्ट्रिप पे, क्या फोर्स लग रही है? यहाँ का प्रेशर इंटू यहाँ का एरिया। तो स्मॉल फोर्स आ गई। स्मॉल क्यों? क्योंकि स्ट्रिप लिया आपने। आपको तो पूरी की पूरी फोर्स निकालनी है डिस्टेंस तक, तो आप एक काम करें टोटल फोर्स निकालने के लिए इंटीग्रेशन करें, और कहाँ से कहाँ तक? जीरो से लेके एच तक, पूरा का पूरा पानी का लेवल एच है। तो यहाँ से इंटीग्रेशन क्या होगी? एक्स स्क्वायर बाई टू। तो ये आपके पास क्या आ गई? टोटल फोर्स आ गई। आपको क्या निकालना है? आपको एवरेज प्रेशर निकालना है, टोटल फोर्स बाय टोटल एरिया। टोटल फोर्स ये रही, टोटल एरिया कितना है? टोटल एरिया है, ये हाइट क्या है? एच। और विड्थ क्या है? डब्ल्यू। पूरा एरिया कितना है? एच इंटू डब्ल्यू। डिवाइड कर दिया, एच और डब्ल्यू कैंसल, आंसर एच रो जी बाय टू। फॉर्मूले को बॉक्स में डाल लो, इसे एवरेज प्रेशर ऑन वॉल्स ऑफ कंटेनर इज ऑलवेज इक्वल टू एच रो जी बाय टू। इसे बॉक्स में डाल लो। ये इंटीग्रेशन तो आपसे नहीं पूछेगा, पर आपसे ये तो पूछेगा। और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं आपकी बढ़िया बुक्स के अंदर जिसमें वो डैम के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा। डैम, वो डैम, डैम क्या है? डैम वही जो पानी रोक के रखता है। डैम का एरिया कैसे होता है, डैम कैसे बनता है? ऊपर से वॉल छोटी है और नीचे पैर बहुत बड़े होते हैं डैम के। घरों की बिल्डिंग वैसे ऐसे बनती है, नीचे पैर बड़ा होता है और ऊपर छोटा चलता है, तो फुटिंग बहुत स्ट्रांग होती है उसकी। क्यों एरिया नीचे का बड़ा क्यों कर दिया? दीवारी खड़ी कर दो ना, फर्क। प्रेशर भाई, पानी कितना डैम रोक के रखेगा? एच रो जी, प्रेशर बहुत ज्यादा। और कहाँ लगने वाला है? नीचे, तो वहां के पैर बहुत मजबूत होने चाहिए। तो समझ में आ रहा है? तो वो प्रेशर पूछ सकता है डैम की दीवार के ऊपर। ऐसा ही कॉन्सेप्ट उस पर लगाना पड़ेगा। पहले क्या करना पड़ेगा उसकी? स्मॉल एरिया, फिर टोटल इंटीग्रेशन से आंसर आएगा, इसलिए ये स्टेप वहां चलेगा। लेकिन नॉर्मल क्वेश्चन में एवरेज प्रेशर से काम चलता है। तो एवरेज प्रेशर का ये कॉन्सेप्ट है जो मैं बता रहा हूँ आपको, राइट? तो ये कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट जो है, इस क्वेश्चन को देखते हैं।